वोल्टेज बिट हमारी लो हो जाएगी जो ये वाली है, और कंपेयर जो कर रहा था वो आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लेस देन इक्वल बिट हम यूज करते हैं। तो आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ ये वाली बिट, ग्रेटर देन वाली बिट। तो ग्रेटर देन वाली बिट क्या होती है कि जब ज्यादा होगा, यानी इक्वल वाली बिट नहीं, ज्यादा होगा तभी ऑन होगा, और ये वाला जो हो गया हमारा क्या हो गया, ये ग्रेटर देन वाला निगेट हो गया। और यहां से फिर हमें जो कंपेयर लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ये ग्रेटर देन वाला मैंने यहां से कंपेयर ले लिया, यानी ये वाला ग्रेटर देन। तो यहाँ पे सेम पहले जैसा ही परफॉर्मेंस होगा, एमडब्ल्यू जीरो और उसके बाद चार ले लिया। तो अब इसमें क्या होगा कि जब चार से पहले क्या था, चार से ऑन हो गया था आउटपुट, अभी क्या होगा, चार से ज्यादा होगा तभी ऑन होगा। यहाँ देखिए मैंने डाउनलोड कर दिया ये, तो अभी देखिए स्टेटस बिट ऑफ है, क्योंकि चार से ज्यादा होगा तभी कंपेयर हमारा परफॉर्म करेगा, तभी इससे आउटपुट ऑन होगा और यहाँ पर स्टेटस बिट भी ऑन होगा। ये देखिए अभी लेस देन है, ग्रेटर देन है, अभी देखिए अभी भी आउटपुट नहीं आएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल होता तो चार पर भी आउटपुट आता, देखिए चार से ज्यादा हो गया तो आउटपुट आ गया, स्टेटस बिट ऑन हो गई। और स्टेटस बिट का जो अपोजिट होता है वो ये है, चार से ज्यादा होगा तभी ये बिट ऑन होगी, और इसका अपोजिट ये हो गया। तो ये अपने अकॉर्डिंग इसी तरीके से फंक्शन कर रहा है, जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा हो गया ग्रेटर देन ब्लॉक हो गया, और इसको हम रिसेट कर देते हैं, इससे ऑफ हो जाएगा। देन नेक्स्ट ब्लॉक हमारा जो आता है वो आता है हमारा लेस देन ब्लॉक हो गया कंपेयर में। यहाँ पे देखेंगे ये लेस देन ब्लॉक हो गया एमडब्ल्यू जीरो, और जब वैल्यू कम हो जाए, कम पर हाई होगा, और इसका जो स्टेटस बिट है आप यहाँ पे देखेंगे स्टेटस बिट में, यहाँ पे हमारा ये लेस देन हो गया, और इसको हम उल्टा यहाँ पे इसका अपोजिट निगेटेड ये हो गया। तो जब चार से कम होगा तब हाई होगा, चार पर जैसे ही आ जाता है काउंटर काउंट करते करते तो भी हमारा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। देखिए पहले क्या था, लेस देन इक्वल था तो चार तक था, अभी क्या है तीन तक ही ऑन होगा। तो तीन तक जब तक ऑन है स्टेटस बिट ऑन है, और ये अभी ऑफ है क्योंकि उसका अपोजिट है। जैसे ही काउंटर आगे बढ़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब तक आउटपुट आ रहा है, और ये भी लेस देन बिट हाई है। जैसे ही ग्रेटर देन गया तो हमारा आउटपुट ऑफ हो गया, और यहाँ पे ये भी बिट ऑफ हो गया, लेकिन दूसरे वाली निगेटेड बिट अपना काम कर रही है, यानी रिसेट करेंगे ऐसे हो गया। तो लेस देन तक हाई रहेगा, तो लेस देन मतलब चार मैंने दिया हुआ है तो तीन तक हाई रहेगा आउटपुट, और तब तक स्टेटस बिट ऑन है। जैसे ही आगे जाता है तो स्टेटस बिट ऑफ होगी, और ये निगेटेड वाला अपना फंक्शन कर रही है। तो ये था हमारा बेसिकली लेस देन। देन अगला एक और हमारा कंपेयर हम यहाँ से जाएंगे, और वो कंपेयर आप यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पर एक और है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल का भी यहाँ पर बेसिकली रहता है। तो ये देखिए ये नॉट इक्वल ले लिया, और इसका निगेटेड ये हो गया। तो नॉट इक्वल मतलब क्या है कि जब इक्वल होता है, इक्वल का अपोजिट होता है नॉट इक्वल। तो देखिए ये नॉट इक्वल ब्लॉक हो गया एमडब्ल्यू जीरो, यहाँ पे चार दे दिया। तो नॉट इक्वल मतलब इक्वल का अपोजिट होता है। तो इक्वल क्या होता है, जब वैल्यू बराबर होती है तभी आउटपुट ऑन होता है, बट नॉट इक्वल क्या होता है कि जब वैल्यू बराबर नहीं होती तो हाई होता है, बराबर होती है तो ऑफ होता है। तो देखिए अभी जो आउटपुट है ये ऑन क्यों, क्योंकि बराबर नहीं है तो ऑन है। जब ये वैल्यू बराबर होगी, ये देखिए काउंटर चलते जा रहा है चार, ये चार पे हमारा क्या हो गया आउटपुट ऑफ हो गया, ज्यादा जाएगा तो ऑन हो गया। यानी नॉट इक्वल क्या करता है, जब बराबर होती है तो आउटपुट नहीं आता है, बाकी आता है। तो स्टेटस बिट भी वैसे ही काम करती है कि अभी स्टेटस बिट क्या है, क्योंकि बराबर वैल्यू नहीं है इसलिए ये भी हाई है, और इसका अपोजिट है नॉट निगेटेड नॉट इक्वल स्टेटस बिट। जैसे ये चलते चलते हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी चार के बराबर, तो नॉट इक्वल हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट बंद कर देगा, और ये देखिए स्टेटस बिट लो गई, और इसका अपोजिट बिट भी यहाँ पे ऑन हो गया। तो इस तरीके से हम ये स्टेटस बिट यूज करते हैं। इन्हीं के इसी के अंदर अगर देखा जाए तो और भी स्टेटस बिट होती हैं जिनका कि हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू अगर ओवरफ्लो हो जाती है, जैसे 32767 से ज्यादा वैल्यू हो जाती है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। देन आगे आता है ओवरफ्लो को, अगर डेटा को स्टोर करना है तो OS हो गया। देन ये हमारा अनऑर्डर वैल्यू है, वैल्यू अगर अनऑर्डर में है तो उसके लिए यूज करते हैं। देन ये आ गया BR मेमोरी हो गया। अब इन सारी बिटों का जो अपोजिट होता है निगेटेड, वो ये सारी बिट होती है। तो इसी तरीके से इन बिट्स को भी हम यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं स्टेटस बिट। अगर आपको इस कार्डा या HMI पे स्टेटस ले जाना हो प्रोग्राम का, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को देख के बाकी आप इसी तरीके के इंस्ट्रक्शन लर्न कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे वीडियोस के लिए लगातार चैनल को फॉलो करते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।